का टॉपिक है पॉप्सो। क्या है? पॉप्सो, जिसका फुल फॉर्म में ही शॉर्ट फॉर्म, ठीक ना? इसके फुल फॉर्म में ही इसका पूरा मीनिंग छुपा हुआ है। इसका फुल फॉर्म होगा द प्रोटेक्शन। क्या होगा? द प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन, ठीक ना? चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। समझ में आएगा सबको? पॉप्सो का फुल फॉर्म है द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, मतलब लैंगिक उत्पीड़न से, है ना, यौन उत्पीड़न से बच्चों का संरक्षण, यौन उत्पीड़न से बच्चों का संरक्षण। तो इससे समझ में आ जा रहा है कि पॉप्सो एक्ट 2012 में आया था। पॉप्सो एक्ट 2012 को बच्चों के प्रति यौन उत्पीड़न, क्या है? यौन उत्पीड़न, यौन शोषण और प्रोनोग्राफी। प्रोनोग्राफी मतलब कोई भी काम उत्पादक या रति चित्रण इस टाइप का कोई भी वीडियो बनाना, इसको प्रोनोग्राफी कहते हैं, ठीक ना? तो क्या क्या है? यौन उत्पीड़न, यौन शोषण, जैसे जघन्य, मतलब जो बहुत भारी हो, जघन्य अपराधों को रोकने के लिए महिला एवं विकास, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा बनाया गया था, ठीक ना? तो क्या समझे कि जो पॉप्सो एक्ट है इसका फुल फॉर्म क्या है? द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। ये 2012 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा बनाया गया था। इसका क्या उद्देश्य है? यौन उत्पीड़न, यौन शोषण और प्रोनोग्राफी से बच्चों की सुरक्षा करना, ठीक ना? अब इस कानून के तहत बनाया गया, कानून के तहत अलग अलग अपराधों के अलग अलग सजा है, मतलब जिस टाइप का अपराध रहेगा उसी टाइप की इसको सजा मिलेगी, सजा मिलेगी, ठीक ना? तथा 14 नवंबर 2012 को लागू किया गया। इसको कब लागू किया गया? 14 नवंबर 2012 को। इसीलिए इसको पॉप्सो एक्ट 2012 कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या क्या प्रावधान है। 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के रूप में परिभाषित किया गया। किसे परिभाषित किया? बच्चों को। बच्चे क्या है इस अधिनियम के तहत? जो 18 वर्ष से कम उम्र के जो भी व्यक्ति हैं उनको बच्चों के रूप में परिभाषित, और उन्हीं के ऊपर ये पॉप्सो एक्ट जो है काम करता है। उसके बाद यह अधिनियम लिंग तटस्थ है। लिंग तटस्थ का मतलब ये नहीं देखा कि बालक है कि बालिका है कि कोई और लिंग, और लिंग भी होता है ना, ट्रांसजेंडर्स होते हैं, जेंडर्स होते हैं, है ना? तो या तो महिला है कि पुरुष है, ये नहीं देखता है, मतलब बच्चा लड़का है कि लड़की है, ये सबके लिए क्या है? तटस्थ है, ठीक ना? सबके पे लागू होता है। यौन सामग्री की उम्र 16 साल से बढ़ाकर 18 साल कर दी गई। इस अधिनियम में पहले जो है 16 साल थी सामग्री के लिए, लेकिन अब कुछ नियम 2019 में आया उसमें 16 साल से बढ़ाकर इसकी आयु यौन सामग्री की क्या कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई। यौन शोषण से शारीरिक संपर्क शामिल हो सकता है या नहीं? इस अधिनियम में शारीरिक संपर्क जो है शामिल भी है या उसे नहीं भी शामिल कर सकते हैं। मान ली कोई इंसान शारीरिक संपर्क से तो गलत वो करता ही है, बिना शरीर को टच किए भी किसी चीज से भी गलत काम कर सकता है, ठीक ना? बच्चों के साथ, बच्चे मासूम होते हैं, उनकी बुद्धि तो होती नहीं है, तो किसी भी कोई मतलब इशारे से या किसी भी तरह से गलत इशारा, गलत इरादा या उसको किसी तरह फुसला के बहला कर, ये सब किस में आएगा? पॉप्सो एक्ट में आ जाएगा, ठीक ना? तो जरूरी नहीं कि शारीरिक संपर्क हो, है ना? बिना शारीरिक संपर्क इसमें शामिल भी होगा और नहीं भी हो सकता है। और अब ये आ गया है प्रावधान कि 12 साल से अगर कम उम्र के बच्चों के संग को किसी भी प्रकार का यौन अपराध होगा तो उसे मौत की सजा दी जाएगी। तो ये है हमारा पॉप्सो एक्ट, फुल फॉर्म है द